हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गोसाई और आप सबका स्वागत है आज की मेरी नई वीडियो में। और इस समय हमारी तैयारी है ऊपर रिसोर्ट में जाने की और इस समय शाम के करीब 5 बजे का टाइम हुआ है और मेरे साथ चलेंगे गोसाई जी भी। और मेरा वहाँ पर काम है नेटवर्क पॉइंट में जाने का। और इस समय अभी पहले हम यहाँ पे सब्ज़ी तोड़ के रख लेते हैं और घर का जो काम है, मतलब सब्ज़ी रात के लिए जो खाना बनाना है उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि नेटवर्क में जाके क्या पता कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम लगता है। और टमाटर तोड़े जा रहे हैं पहले, तो पहले टमाटर तोड़ के रख देते हैं, छोटे छोटे जो देसी टमाटर होते हैं वो तोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो पहले पिछले दिन मैंने बहुत सारे टमाटर देखे भाई। अरे पीहू क्या कर रही है, क्या देख रही पीहू? अरे कार्टून देख रहे हो, ऊपर बैठ जाओ, फिर ऊपर बैठो ढंग से। और पीहू किनानी के लिए तो हिंद लगा हुआ है किनानी के लिए हाँ लकड़ी नहीं है पीहू पीहू मम्मी के साथ नहीं गई, पीहू नानी के साथ रहेगी। अब पीहू बहुत समझदार बच्ची है देखो। तो दोस्तों यहाँ देखो, पीहू की मम्मी आई थी और एक महीने होके गई है और पीहू को यहीं पे यहाँ छोड़ के, मतलब अपने मायके छोड़ के चली गई है। और पीहू रहती है नानी के साथ में और यहाँ हमारे साथ में पढ़ाई करती है। पीहू बहुत समझदार बच्ची है पीहू तो, है ना? हाँ। और ये देखो दो बंदर और आ गए हैं सुरभि और सौरभ, कहाँ जा रहे हो? प्लाट में। और ये रिसोर्ट इनका प्लाट है जो कि ये वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए और अभी हम भी आएंगे। और ज्योति क्या हो रहा है? नमस्ते। गौरी को रुला दिया हमने, ये देखो यार क्या फंसा, ये देखो इतना लगाव है मेरे से। और दीदी जी यहाँ पे घास काट रही हैं। काट दिया घास? ये तो ज्यादा है, कैसे ले जाओगे इतना? अरे तो ले जाएंगे, क्या करें, मजबूरी है। ओहो, तो दूसरी बार आ जाना। हाँ, नहीं कौन आएगा, रात हो रही, गाय का दूध गाड़ना है। अच्छा, तो कैसे आऊंगा मैं रात? ओहो, सुरमा दीदी का घास देखो। हाँ आज भैंसल क्या खाना और ये बहुत सुंदर जगह पे कॉटेज, ये देखिए। आज तो बिल्कुल होटल एकदम खचाखच भरा हुआ है। तो दोस्तों मैं इस समय पहुंच गई हूँ फिर से नेटवर्क ढूंढते ढूंढते बनवासा रिसोर्ट में। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ बता रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हैं। देखिए वाह, मंदाल घाटी का नज़ारा फिर से कुछ अलग ही है। ये देखो, वो देखो, ये देखिए, और मस्त नज़ारा। और यहाँ पे देखिए आंवले कितने अच्छे हो गए, पक्के हो गए आंवले यहाँ। और बहुत ज़्यादा बारिश के बाद ये देखिए मंदाल घाटी में कितना सारा पानी है। और डैम का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो शाम हो गई है और चिड़िया देखो अपना घोंसला ढूंढने लग गई है और कुछ चिड़िया देखो किस तरह से बैठी हुई। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर रिसोर्ट से आने के बाद अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए और जॉन भी पीछे पीछे। जॉन क्या हो गया,
इसको मुझे ऐसा लग रहा शायद भूख लग गई। हेलो, और प्यू फिर मिल गई मुझे, तो चलते हैं और दूध लेके आते हैं। और आज क्या सब्जी बनाया जाए? प्यू सब्जी क्या बनाए हम आज? हम सब्जी क्या बनाए? और दीदी आ गई है दूध निकाल के। ओह ओह, क्या बोल रही प्यू? पता नहीं क्या बने वेल प्यू जी। नमस्कार। और वहाँ देखिए खिड़की से बातें हो रही हैं। ये लो। और दीदी जी मक्के तोड़ के लाए हैं, और मक्के देखो कैसे हो रखे हैं। किसने तोड़े? अच्छा, इस बार हमारे गांव में इस तरह से मक्के हो रखे हैं, मतलब कुछ मक्के तो पहले हो गए और कुछ मक्के अभी। ये देखो, ये मक्का होगा कोई, ये देखो। और पहले कैसे मक्के होते थे, मतलब 2-3 साल से तो ऐसे ही हो रहे हैं, मक्के खराब हो रहे हैं, और कुछ मक्के बहुत जल्दी हो गए, कुछ मक्के तो अभी हुए भी नहीं। अरे फिर से आ गई। कमरे तोड़ के, अरे अरे वाह, अरे वाह, कॉमेडियन। ये लो, वो देखते हो कौन है वहाँ। तो फ्रेंड्स दूध लेके भी आ गए हैं, और काफ़ी शाम भी हो गई है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर वो बोलेगी लाइक शेयर, बोले छी छी उसको मत देखो। चलो बाय, ठीक है, अभी भी कर रहा है, रहने दे उसको, चल ठीक है, बाय बाय पीहू। तो आज की वीडियो को हम अब यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।